जय मसीह की। गोरखपुर उत्तर प्रदेश नेबुलल में बोल रहा हूँ। हमारे बच्चे दो बहरीन में रहते हैं। एक बड़े लड़के का नाम है सत्यजीत कुमार, एक छोटे लड़के का नाम है इंद्रजीत कुमार। एक छोटा लड़का है इंद्रजीत कुमार, 8 तारीख को उसके गला और गले में इन्फेक्शन हो गया था, बहुत दर्द कर रहा था। वो हमारे पास फ़ोन किया गोरखपुर, और मैं आपसे 8 तारीख को शाम को मैं प्रार्थना कराए। वो लड़का हमारा प्रार्थना कराने के 15-20 मिनट के बाद लड़का हमारा चंगा हो गया। और एक जो बड़ा लड़का है सत्यजीत कुमार, उसका कल के डेट में 13 तारीख उसका जो है खांसी उसी का कोई प्रॉब्लम था। वो बोला कि हमसे फ़ोन करके हमको खांसी उसी आ रहा है। हमको ऐसा नहीं है कि कोरोना की शिकायत है, हो गया है। तो मैं कल की डेट में 13 तारीख को आपसे प्रार्थना कराया, और कल के 13 तारीख की डेट में उसका मेडिकल कंपनी वाले कराए कोरोना का। और आपसे प्रार्थना करके उस बच्चे को पास में रिकॉर्डिंग करके आपको प्रार्थना भेज दिए, और वो सुने अपने कान से। और आज 14 तारीख है, वो सब बच्चों का रिपोर्ट आज के डेट 14 तारीख में नॉर्मल आया। वो सब प्रभु जी सबको चंगा कर दिए, दोनों लड़के को। और हमारे पास अभी अभी कॉल किया, इसलिए हमारा यही गवाही है। सारी कलेसिया की जय मसीह की। गोरखपुर यूपी से बोल रहा हूँ कुशीला देवी। हमारा 2 गो बेटा बहरीन है, और दोनों के कोरोना के डर है, तो आपके लग से प्रार्थना कराएं। मेरा बेटा दोनों नॉर्मल आया, मेडिकल कल मेडिकल हुआ, आज मेडिकल नॉर्मल आया। एक खांसी आ रहा है, एक जने बुखार आ रहा है, दोनों जने के कोरोना से डर रहा है। मन मेडिकल से पास हो गए, ठीक है, मेडिकल में नॉर्मल आ गया। जय मसीह की। आपसे बहन जी, प्रभु जी से हमारा ही कहना उद्देश्य है, और हमारा ही प्रार्थना है, और हमको प्रभु जी आशीष दें बच्चे लोग को, हमारे पूरे परिवार को आशीष दें। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा, हमारा प्राण, हमारा शरीर कहीं भी जाए, हमारा प्राण कहीं भी रहेगा, प्रभु जी से हमारा लगाव रहेगा, और प्रार्थना करते रहेंगे और बीज बोते रहेंगे। जय मसीह की।